अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कंपेटिटर्स को बीट कर सकते हो। आप अमेज़ॉन पे बिजनेस कर रहे हो, आपको ये सीखना जरूरी है। सबसे अहम है कि आप अपने कंपेटिटर्स जो कि दूसरे सेलर्स हैं उनको आपने कैसे बीट करना है। आपने बाजार में दुकान बनाई हुई या बर्तनों के साथ और भी बंदे बैठे हैं, आप अच्छी क्वालिटी लेके आते हो, सेल लगाते हो उनको बीट करने के लिए कि आपके पास ज्यादा कस्टमर है। अमेजोन के ऊपर ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है सारा कुछ बताऊंगा। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी, अगर आप देख लोगे तो फायदा होगा, नहीं देखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। खैर, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखो, मिसाल के तौर पे ये है मेरा अमेजोन का अकाउंट और यहाँ पर जो है मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है, ये वाला, ठीक है। और सेम यही वाला प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने, और इसके ऊपर 8 सेलर बैठे हुए हैं, अप्रूव्ड है और मैं खुद भी इसे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मुझे इसके ऊपर टोटल जो सेलर्स नजर आते हैं, अभी टॉप पे जो बंदा बैठा हुआ है जिसके पास बाय बॉक्स है, मेक श्योर कि यहाँ पर अमेजोन ना हो, अमेजोन के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, अब इसको मैंने बीट करना है, मेरे स्टोर का नाम वट एवर जो भी है, मुझे इसे बीट करना है। कैसे करना है मुझे देखना है कि इसकी प्राइस कितनी है। ये 14 का सेल कर रहा है, उसके नीचे एक बंदा बैठा हुआ है $4 का सेल कर रहा है, फिर एक 14 का, फिर 14 वाला। अब कैसे कंपटीशन चल रहा है, 14.99, 14.49, 14.50, 14.60। अब मेरा जो कंपटीशन है वो है प्राइम सेलर्स के साथ, ठीक है। प्राइम मतलब कि FBA वाले, FBM वाले जो भी हैं ये ड्रॉप शिपर्स होते हैं। अब इसके ऊपर अगर देखूं तो टोटल जो तकरीबन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 से 5 सेलर हैं जो कि FBA में सेल कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कंपटीशन कैसे करना है इनके साथ, आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लेना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस आइटम के ऊपर, उस प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपको अपनी प्राइस को डाउन करना है। अब रात के टाइम आप देख रहे होते हो इतने सेलर्स आपस में जो है कंपटीशन कर रहे होते हैं, रात को भी आप करो दिन में करो, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है दिन के टाइम होती है। अब किस तरह से करता हूँ अभी मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ कैसे मैं कंपटीशन को। अच्छा, अभी आप सपोज करो कि जो मेरा जो स्टोर है वो यहाँ से ये वाला है, दिस द शॉप स्वैप के नाम से मेरा स्टोर है, और शिप फ्रॉम अमेजोन जिसके ऊपर लिखा होगा वो FBA का सेलर होगा, आपका कंपटीशन FBA वाले के साथ होगा। अब देखो, अब मैं जो है 17 का सेल कर रहा हूँ, मुझे बीट करना है इस वाले को, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी प्राइस देखूंगा और इसके मैं रिव्यूज देखूंगा। 21 इसकी रेटिंग है और 90% इसकी जो है पॉजिटिव रेटिंग है। अगर मैं अपने स्टोर की बात करूं तो मेरे जो स्टोर की रेटिंग है, मिसाल के तौर पे ये मेरे स्टोर का नाम है, ठीक है, मैंने रेंडम जो है वो चूज किया। आप देखो 100% पॉजिटिव रेटिंग है मेरी, और मेरी जो टोटल 4 स्टार रेटिंग है वो 5 है, और 8 जो है मेरे अकाउंट के ऊपर फीडबैक्स हैं। एक तो मैं क्या करूंगा, सेल ग्रैब करनी है, मेरे पास रेटिंग नहीं है, मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने अकाउंट के ऊपर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16 है, 17 है, वट एवर, वो बंदा 14.5 का सेल कर रहा है, मुझे उसको बीट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 16.00 कर दूंगा, सॉरी पूरी 16 कर दूंगा, जो मेरी प्राइस है वो इस वक्त 16 हो जाएगी। मैं आधा घंटा वेट करूंगा कि हाँ भाई मेरे पास ऑर्डर आया या नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 15.99 करूंगा, 15.98 करूंगा, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो सबसे कम जो प्राइस है इसके ऊपर 14.5 की लगी हुई है जो कि उस बंदे की है, उसको मैंने बीट करना है। कैसे करना है, मैंने सेल ग्रैब करनी है, मैं कुछ अपनी प्राइस सेंट में गिराऊंगा। अचानक से आपने $1-2 नहीं गिरा देने, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 17 का 16 का सेल कर रहा हूँ, वो बंदा 14.5 का सेल कर रहा है तो मुझे 14.48 लगानी चाहिए, नहीं ऐसे भी नहीं होता। अगर आप ऐसे करोगे टॉप पे तो आ जाओगे लेकिन कंपटीशन में नहीं आओगे, कंपटीशन में आपको आना है पहले। अगर आप नीचे से 6ठे या 7वें नंबर पे हो, आपको यहाँ से पोजीशन गेन करनी है, चौथी, तीसरी, फिर दूसरी, उसके बाद फिर पहले पे आना है। जब आप इस तरह से आओगे तो आप एक एल्गोरिदम को फॉलो करोगे। अगर मैं इसको देखूँ, ये बंदा 14.5 का सेल कर रहा है, 14.49 का, तो मैं, अब काफी सारे सेलर करते हैं 14.48 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको धीरे धीरे अपनी प्राइस को गिराना है। अब 16, 17 है, मैं इसको 17.98 करूंगा, फिर 8.5 करूंगा, फिर 4.5 करूंगा, फिर 16 पे आऊंगा, इसी तरह से सेंट में गिराता रहूंगा अपनी प्राइस को। 3-4 घंटे में मेरे पास सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, सेल आना स्टार्ट होगी और मैं कंपटीशन में आ जाऊंगा और मैं अपने सेलर्स को बीट करता चला जाऊंगा।
अगर मैं डायरेक्टली इसको बीट करूंगा, अगर सपोज करते हो कि मैं इसको डायरेक्टली बीट करूं, ये 14 का सेल कर रहा है, मैं 15 कर दूंगा डायरेक्टली, फिर मैं धीरे धीरे अपनी प्राइस को गिराऊंगा सेंट में, और एक टाइम आएगा कि इसकी जो प्राइस है वो 14.49 होगी और मेरी 14.90 या 88 होगी, लेकिन मेरे पास सेल इससे ज्यादा आ रही होगी। अमेजोन के एल्गोरिथम इस तरह से काम करते हैं। अगर फिर भी आपको सेल नहीं आती तो एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ से, हाँ आपको यहाँ से अपनी प्राइस को सेव लाजमी करना है। अच्छा, सेव करने के बाद आपको यहाँ से आना है अपनी एडिट लिस्टिंग में। यहाँ पे एडिट लिस्टिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सेल लगाना सेल लगानी है। कैसे लगानी है उसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अच्छा, सेल किस तरह से लगानी है आपको, अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो सेल वाला टैब बिल्कुल खाली है और सेल मैंने कोई भी चूज नहीं की। जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उसको आपने कॉपी करके आपने सेल प्राइस में लिख देना है, और अपनी जो यहाँ पर प्राइस है उसको आपने कुछ सेंट में या कुछ डॉलर में आपने बढ़ा देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 17 कर देता हूँ और नीचे जो है सेल वाले डब्बे में 15 कर देता हूँ, और मैं सेल लगा देता हूँ यहाँ से। आज 12 जनवरी है, 12 से लेकर मैं लगा देता हूँ, एंडिंग डेट जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ 18 तारीख, ठीक है। और जैसे ये मैं चूज कर लूंगा, अभी ये मेरे पेज जो है एंडिंग डेट 18 कर ली और ये अभी सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिस्ट प्राइस जो है आपकी, वही आपने जो आपकी एक्चुअल प्राइस है वही आपने लिस्ट प्राइस में लिखनी है, अगर अमेजोन आपसे कहे तो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। उसने खुद ही जो है उसको इक्वल कर दिए 17 के। अब आप देख सकते हो कि वो रेड जो यहाँ पर बॉक्स हो रहे थे वो खुद ही खत्म हो गए हैं। अच्छा, $15 मैंने जो है सेल प्राइस लगा दी, जो मेरी एक्चुअल प्राइस थी, और अपनी जो एक्चुअल प्राइस थी वहां पर मैंने इंक्रीज कर दिया। अब ये इसके पीछे साइकी क्या है, अमेजोन समझता है कि भाई आपने सेल लगाई है, आपने कुछ प्राइस अपनी डाउन की है, और आपको कस्टमर की जो यानी कि है उसकी प्राइस आपकी नजर आ रही होती है, वहां पर अमेजोन शो करवाता है कि इस बंदे की एक्चुअल प्राइस 17 है, लेकिन ये डिस्काउंट दे रहा है $15, यानी कि $2 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप 15 का यहाँ से बाय कर सकते हो, और अमेजोन आपको बाय बॉक्स की रेशियो बढ़ा देता है आपके अकाउंट के ऊपर, जिससे आप कंपिटिशन को इजीली बीट कर सकते हो। दो मैंने आपको गेम्स यहाँ पर बताई, दो ट्रिक्स बताई, एक ये कि आप अपने प्राइस को धीरे धीरे डाउन करो अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए, दूसरा ये आप सेल लगा दो, सेल लगाओ, सेल प्राइस को भी आप 3-4 घंटे के बाद कुछ सेंट में गिराते रहो, इंशाल्लाह आपके पास सेल आएगी और आपकी इन्वेंट्री जो है वो जल्द से जल्द अमेजोन की वेयर हाउस से प्रॉफिट के साथ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था ट्रिक, और ये ट्रिक मैं उम्मीद करता हूँ पहले आपको नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होगा। और मजीद अगर आपको मुझे फॉलो करना है, अब काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं उसामा भाई हमने आपसे एडवांस लेवल के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं अमेजोन पे सेल करने के, तो जाहिर सी बात है भाई मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ओपनली यूट्यूब पे नहीं बताता, आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो यूट्यूब पे नहीं मिलता, जो कि मेरी गूगल ड्राइव में आपको मिलेगा 10K का। गूगल ड्राइव में कौन कौन सा अमेजोन FBA का और FBM का आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको मिलेगा कैसे ये भी आपको बता देता हूँ। ड्राइव है मेरी गूगल जिसमें आपको 3 कोर्सेज देखने को मिलते हैं, अमेजोन FBM का, अमेजोन FBA का, ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसमें मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं कि आपको कैसे काम करना है अमेजोन के ऊपर, कैसे आपको लिस्ट करना है, इजी हंटिंग, इजी सोर्सिंग, और इजीली आप कम से कम बजट में अपनी जो इन्वेंट्री है उसे आप सेल कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो कोर्स है, तकरीबन 12 से 13 घंटों का है, और अमेजोन FBM का है जो वो तकरीबन 22 से 23 घंटों का है। उसके अलावा आप यहाँ पर सारी जो मैंने ट्रिक्स एंड ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, और जो ड्राइव में है वो यूट्यूब पे नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपको अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का कोर्स मिलता है, किसी भी केस में आपका अकाउंट रिस्क फैक्टर में चला गया, आपका अकाउंट बंद होने के करीब है, आपको ओपन कैसे करवाना है, उसका सारा कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा आपको सारे यहाँ पर जो टेम्पलेट्स हैं सस्पेंशन टेम्पलेट्स, आपको अमेजोन कहता है मुझे अपील लेटर दो, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तकरीबन सारी अपील्स हैं, और ये डाटा मैंने खुद भी लिखा है कुछ दोस्तों की हेल्प से,
ठीक है, और कुछ मैंने खुद रिसर्च करके फाइंड किया है कि आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन ये पूरी गूगल ड्राइव आपको मिलेगी कैसे? आप अपना जो है जीमेल वो मेरे से शेयर करोगे, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है, लेकिन आपको मिलेगा 10K का। कैसे आपको मिलेगा? आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है आपको, जस्ट वॉइस मैसेज या आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे जो है वो रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आप अपील लेटर्स भी देख सकते हो। अगर एक मैं अपील आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये अपील आप देख सकते हो, सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट की, एक लेट डिस्पैच रेट की है, सॉरी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप जो है मुझे व्हाट्सएप करके ये कोर्स ले सकते हो, 10K में, पेड कोर्स है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आज का आपको पसंद आया होगा। सेलर्स को ही आपने बीट करना है, सेलर्स को बीट करते जाओ और आप जो है अपनी वर्किंग फास्ट करते जाओ अमेजोन के ऊपर। ठीक है, और चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, जिस तरह का मर्जी प्रोडक्ट है, आप इजीली सेल कर सकते हो उसे, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कि 1-2 दिन आपने लगाए, हाँ भाई सेल नहीं आ रही, दैट्स इट, नहीं, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको, दिन रात एक करके अपना जो है एक मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज अमेजोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दुआओं में याद रखना, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह आप सबको हामी नासिर हो।